फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहिणी एंड यू आर वाचिंग ट्रिक्स फॉर यू। 14 फरवरी है, उसके पहले भी बहुत सारे डेज है, फ्रेंडशिप डे, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे। इन सारे डेज में स्पेशल देखने के लिए आप पार्लर जाओगे, खर्चा करोगे। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे एक ऐसा ब्लीच कर सकते हो जिससे आपको एक इंस्टेंट फेयरनेस तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में अपने फेस पे एक अच्छे सा गोल्डन ग्लो भी आएगा। ब्लीच आपको कब करना है, कैसे करना है, प्री एंड पोस्ट ब्लीच में आपको कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, इन सारी चीजें हम आज देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल बटन जो दिया है उसे जरूर हिट करना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी उम्र 20 से कम है तो आपकी स्किन बहुत ही जेंटल रहती है, सेंसिटिव रहती है, तो आप ब्लीच ना यूज करें। 20 के ऊपर अगर आपका एज है तो ब्लीच कर सकते हो। पैचेस करवाना आप पहले यहाँ पे कान के पीछे या हाथ पे, अगर कोई अनवांटेड रिएक्शन ना हो तो ब्लीच का एप्लीकेशन आप अपने फेस पे कर सकते हो। इसमें आपको ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर जितना क्वांटिटी में, जितना मेजरमेंट में बोला है मिक्स करने के लिए, उतना ही क्वांटिटी लेना है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना है। सेकेंड टिप ये रहेगा, ब्लीच करने के बाद आपको कोई फाउंडेशन, बेबी क्रीम, सीसी क्रीम अप्लाई नहीं करना है। एटलीस्ट ब्लीच के लिए मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ब्लीच करने के पहले फेस को अच्छे से फेस वॉश से क्लीन करना, जो भी मेकअप रहेगा रिमूव कर लेना, बालों को अच्छे से टाई करना है पीछे, और हेयरबैंड अगर आपके पास रहेगा तो हेयरबैंड पहन करने के लिए मैं यूज करूंगी फेम का फेयरनेस नेचुरल गोल्ड ब्लीच क्रीम, जो कि नो अमोनिया एडेड है, बिल्कुल भी इसमें अमोनिया नहीं है, और इसके साथ आपका जो ब्लीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा मोर प्लेजेंट एंड अमेजिंग होगा। तो इस बॉक्स में आपको मिलता है एक क्रीम, ब्लीच क्रीम, इसके साथ आपको एक मिलेगा एक्टिवेटर और एक स्पून मिलेगा जिसे आप ऐड कर सकते हो, अपने फेस पे लगा सकते हो। तो जितना क्वांटिटी में दिया है मेजरमेंट काफी सही होना चाहिए। इसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है जिसपे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है हाउ टू यूज, एंड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही है, आपको पैच टेस्ट करवा लेना है यहाँ पे, अगर कोई भी अनवांटेड रिएक्शन नहीं है तो आप बिंदास इसे यूज कर सकते हैं। लगाना है जहाँ पे, जो एरिया पे आप चाहते हो कि ब्लीच का इफेक्ट ना हो, तो लाइक आईब्रोज पे मैं लगाऊंगी। तो ब्लीच का एप्लीकेशन मैं भी कर रही हूँ अपने फेस पे, और बिल्कुल भी आपको मसाज नहीं करना है, सिर्फ पैट करना है। आईज के अराउंड पे आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ब्लीच का एप्लीकेशन करते वक्त आपको इस फोन का हेल्प जरूर लेना है। अपवर्ड पोजीशन में आपको इसको पैट करना है, बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है, रब नहीं करना है। ब्लीच के लिए फेम में इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये नो एडेड अमोनिया है, इसमें केमिकल्स नहीं है, और इंस्टेंट फेयरनेस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसको लगाने के बाद आपको एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस भी मिल जाता है, एंड इट्स वेरी हेल्दी वे टू गेट इंस्टेंट। अबाउट इट आप देख सकते हैं 15 मिनट्स के बाद मैंने अपने फेस को वॉश किया है, एंड जो गोल्डन ग्लो आया है, आई कैन फील माई स्किन वेरी सॉफ्ट विद टच। ये आसान तरीके से हम ब्लीच कर सकते हैं घर बैठे बाय यूजिंग फेम फेयरनेस गोल्ड ब्लीच। ब्लीच के बीच में आपको एटलीस्ट 4 वीक्स का गैप रखना है, बहुत ही जल्दी जल्दी में ब्लीच नहीं करना है। मैं प्रीफर करती हूँ 1 महीने के बाद ही मैं दूसरा वाला ब्लीच करती हूँ। मिक्स करते वक्त आपको जितने क्वांटिटी में बोला है उतना ही क्वांटिटी में आपको इसे लेना है। ब्लीच होने के बाद अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए एक मॉइस्चराइजर आपको कंपलसरी यूज करना है। ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।